तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ विंडोज 7 इंस्टॉल कैसे करें लेनोवो लैपटॉप में। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, उसके लिए आपको बूटेबल पेन ड्राइव होना ज़रूरी है या डीवीडी होना ज़रूरी है। तो अगर आपके पास नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, उस पर आप क्लिक करके फाइल को डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आप पेन ड्राइव बूटेबल बना सकते हो या CD भी बूटेबल बना सकते हो। तो देखिए विंडोज को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल सहज टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना भी ना भूलिए। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो को आगे बढ़ा के विंडोज इंस्टॉल कैसे करते हैं। सबसे पहले इसमें पेन ड्राइव बूटेबल और या फिर CD लगा देना है, और उसके बाद ये वाला बटन जो होम बटन है, इसका पावर ऑन बटन, उसको प्रेस करना है। और उसके बाद F12 यहाँ पर है, देखो F12 प्रेस करना है, करते रहना है, अपने आप आएगा इस पर। देखो यहाँ पर विंडोज़ बूट मैनेजर में आया फाइल, और यहाँ पर बूटेबल पेन ड्राइव लगा है वो दिखाया मैंने। यहाँ पर नीचे बीच में देखो तीन नंबर में, चार नंबर में USB, इसको नीचे ये स्क्रॉल बटन से नीचे इस पर USB HDD, क्योंकि मेरा बूटेबल पेन ड्राइव लगा हुआ है इसलिए USB से सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है, इंटर बटन प्रेस करना है। उसके बाद अपने आप विंडोज इंस्टॉल होना शुरू कर देगा। Any1 बटन मांगेगा, कोई भी बटन खींच दीजिए, उसके बाद विंडोज लोडिंग फाइल होना शुरू कर देगा। देखिए मेरा विंडोज है जो लोडिंग हो रहा है, विंडोज इज लोडिंग फाइल, इसमें जितना फाइल है विंडोज का वो लोडिंग होना शुरू कर दिया है। देखते रहिए वीडियो, और वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा वीडियो देखे, नहीं तो कुछ फाइल मिसिंग हो जाएगा तो फिर परेशानी हो जाएगा। स्टार्टिंग विंडोज देखते रहिए वीडियो को, और देखते रहिए। अब इधर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, आप अगर लैंग्वेज चेंज करना चाहे तो लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं आप, और इंस्टॉल नाउ कर देना है, इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सेटअप इज स्टार्टिंग हो रहा है, देखिए इसमें आई एक्सेप्ट लाइसेंस टर्म मांग रहा है, एक उस पर क्लिक करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है, और कस्टम में जाकर आप अपग्रेड भी कर सकते हो, लेकिन कस्टम में करके आपको अच्छा होगा। और जो जिसमें आपको विंडोज इंस्टॉल है अगाड़ी से, सबको तो सी ड्राइव में ही होता है, उसको मेरा जैसे सी ड्राइव में है उसको क्लिक करके फॉर्मेट कर देना है, ओके। और इसको फॉर्मेट करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है, जिससे आपका फाइल विंडोज का जो नया फाइल है वो लोडिंग होना शुरू करेगा। तो देखिए अभी 0% है, ये 0% से 100% तक कंप्लीट होगा। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ी देर टाइम लगेगा, इसलिए मैं अपना रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा जब 100% हो जाएगा तो कैसे ये काम करता है, अगाड़ी का प्रोसेस क्या है वो मैं बताऊंगा। थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। अभी 97% हो गया मेरा जो फाइल है, 98 हो गया, थोड़ी देर में ही 100% कंप्लीट हो जाएगा, देखते रहिए वीडियो। ये 100% कंप्लीट हो गया, अब थोड़ी ही देर में ये जो
इंस्टॉलिंग अपडेट का जो प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लैपटॉप या आपका जो पीसी है वो रीस्टार्ट होगा। देखिए 10 सेकेंड का टाइम मांग रहा है, वो ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होगा। अब चाहे तो आप माउस से रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। रीस्टार्ट हो रहा है, रीस्टार्ट का प्रोसेस होने दे अच्छे तरीके से, अपने आप रीस्टार्ट होगा। कोई भी बटन अभी प्रेस नहीं करना है। देखिए अब ऊपर जो विंडोज़ 7, पहले से भी मेरा 7 ही था, फिर से 7 ही डाला, इसलिए दो विंडोज़ 7 लिखा हुआ है, वो ऊपर का है, जो उस पर रहने दे और इंटर प्रेस कर दे। जो ऊपर में आए वही आपका विंडोज़ जो इंस्टॉल हुआ है, नया विंडोज़ इंस्टॉल हुआ है वही रहेगा। और ऐसे ही करके ये थोड़ा एरर है, अगर आपका ये एरर भी नहीं चाहिए तो कमेंट में मेरा मैसेज कीजिए, मैं इसके पर भी एक वीडियो बनाऊंगा और ये भी हटाने का तरीका है। चेकिंग देखते रहिए, कंप्लीट होने वाला है थोड़ी देर में। देखिए सेटअप विल कंटिन्यू आफ्टर रीस्टार्टिंग योर कंप्यूटर बता रहा है, थोड़ी ही देर में आपका जो सेटअप है वो सब कंप्लीट होने वाला है। रीस्टार्ट हो रहा है अभी, कोई भी बटन प्रेस ना करें। रीस्टार्ट प्रोसेसिंग अच्छे तरीके से होने दें। आप देखिए विंडोज 7 आया और आप इंटर प्रेस करके इसको ओपन कीजिए। स्टार्टिंग विंडोज, आपका विंडोज है जो स्टार्ट होने ही वाला है। सेटअप इज प्रिपेयरिंग योर कंप्यूटर फॉर फर्स्ट यूज, आपका जो कंप्यूटर है जो आप अब इसमें आप अपना नाम रख सकते हो या कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने अपना नाम ही इसमें लिख लिया और उसको नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आप पासपोर्ट देना चाहे तो आप पासपोर्ट भी दे सकते थे। आप अगर आपका प्रोडक्ट की है तो आप प्रोडक्ट की इसमें रखें और नेक्स्ट करें, नहीं है तो स्किप कर दीजिए और आस्क मी लेटर पर क्लिक कर दीजिए, या आप ऊपर का सिलेक्ट कर सकते हो। इस पर अपना कंट्री चूज करके टाइम भी सिलेक्ट कर ले। मेरा घर नेपाल में है तो मैं नेपाल का टाइम चूज कर रहा हूँ। देखते रहिए और नेक्स्ट कर देना है। आपका जो विंडोज है अब लास्ट स्टेप होने वाला है। आपका विंडोज है जो इंस्टॉल हो गया, अब थोड़े ही देर में आपका स्क्रीन ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आपका विंडोज सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।